नमस्कार साथियों, टेस्ट पेपर योगा 2 का हल सॉल्यूशन आपके सामने प्रस्तुत है। बिना समय को व्यर्थ गंवाए हम लोग शुरू कर देते हैं, लेकिन उससे पहले एक उम्मीद जो मैं आपसे रखता हूं कि प्रतिदिन आप सुबह जो टॉपिक अपलोड किया जाता है उसका अध्ययन जरूर कर रहे होंगे, फिर 11 बजे जो उसका टेस्ट पेपर अपलोड होता है उसको जरूर आप देख रहे होंगे, और फिर शाम का सॉल्यूशन, यह त्रिस्तरीय तैयारी की योजना आप जरूर रख रखे होंगे। टैक्टिकल प्लान, खिलाड़ियों आप लोग टैक्टिकल प्लान बहुत जरूरी है। और साथ ही दूसरी जो ध्यान देने वाली बात है, हाथ जोड़कर विनती, पहले लाइक कर दें और उसके बाद ज्वाइन बटन दबा लें। चलिए शुरू करते हैं बिना समय को व्यर्थ गंवाएं। प्रश्न संख्या 1, योग दर्शन के अनुसार शरीर का निर्माण कितने तत्वों से मिलकर होता है? तो सभी लोग जानते हैं 5 तत्वों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, जिन्हें पंच तत्व कहते हैं। वो पंच तत्व कौन कौन से होते हैं? अग्नि, वायु, आकाश, जल और मृदा। हिंदू धर्म के आधार पर योग की रचना की गई है। योग दर्शन जो है वह हिंदू संस्कृति के आधारित है। योग को पूर्णतया हिंदू मान्यता प्राप्त है और हिंदू मान्यताओं में, हिंदू वैदिक ग्रंथों में लिखा है शरीर का निर्माण पंच तत्वों से मिलकर होता है। इसीलिए हम लोग पंच तत्वों में हिंदू धर्म में दाह संस्कार करते हैं, उसके बाद अस्थियों का विसर्जन गंगा जी जैसी पवित्र जगह पर किया जाता है, भूलना मत। प्रश्न संख्या 2, योग दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईश्वरीय कड़ी, हुतात्मा, चिरायु या उक्त में से कोई नहीं। मुझे पूरी उम्मीद थी कि आप लोगों में से अधिकतम लोग ईश्वरीय कड़ी पर जरूर कंफ्यूज होंगे। देखिए, ईश्वरीय कड़ी तो है, यो आत्मा क्या करती है? ईश्वरीय कड़ी मतलब ईश्वर और जीव के बीच में एक कड़ी है, लेकिन आत्मा अपने आप में एक ऐसी चीज है जो अजर है, अमर है, जो नश्वर है। मतलब आत्मा शरीर बदलती है, आत्मा एक है, शरीर अनेक है, वह एक से दूसरे रूप में विराजमान विरायमान रहती है, लेकिन सदैव चलायमान रहती है। यह हमारे वैदिक ग्रंथ धर्म ग्रंथ कहते आए हैं, तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। इसका प्रश्न का उत्तर है चिरायु। आत्मा एक ऐसी चीज़ है जो कभी मिटती नहीं है, नश्वर है। नश्वर मतलब जिसकी उम्र बहुत लंबी है, कितनी लाखों करोड़ों हजारों अरबों साल भी हो सकती है, वही चिरायु से संबंधित है। प्रश्न संख्या 3, योग दर्शन के अनुसार आत्मा है। देखिए फिर से प्रश्न मैंने आपको बताया, घूम जाता है, लेकिन आपको समझ लेना है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में इसको एलोबरेट किया, इसको एक्सप्लेन किया। योग दर्शन के अनुसार आत्मा क्या है? गतिशील। हमने जस्ट अभी पढ़ा कि एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, एक योनि से दूसरी योनि। कहते हैं कि 84 लाख योनियाँ जो है हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार है, 84 लाख योनियों को एक आत्मा बदलने की शक्ति रहती है। उसके बाद भी आत्मा एक पिंड के रूप में ब्रह्मांड में स्थापित रहती है, लेकिन सदैव वह एक से दूसरे शरीर के अंदर गतिमान, गतिशील रहती है। इसलिए आत्मा को गतिशील कहा गया है। मुमुक्षु जो है वो मोक्ष प्राप्त करने वाले व्यक्ति को होते हैं, तो इससे कोई लेना नहीं। प्रज्वल पिंड आत्मा के बारे में कहा जा सकता है, लेकिन यह प्रज्वल पिंड सदैव गतिशील ही रहता है। प्रश्न को क्लियर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4, सांख्य दर्शन में पतंजलि को किस देवता के समतुल्य दर्जा दिया गया है? तो देखिए, सांख्य दर्शन के अंदर भारतीय धर्म ग्रंथों के उपदेश दिए गए हैं, जिसके अंदर आपको एक जगह, हालांकि उस वक्त तक आपके गीता के ज्ञान के बारे में ज्यादा था, लेकिन सांख्य जो दर्शन है वो वेदों के बाद में बनाए गए हैं। दर्शन वेदों के बाद में बनाए गए हैं, ये उपनिषदों के अंतर आते हैं। उपनिषद वेदों का अंतिम भाग है, और कहा जाता है तब तक कृष्ण के उपदेश को सार गर्भित कर दिया गया था, और कृष्ण ने महाभारत के अंदर गीता का ज्ञान दिया था कुरुक्षेत्र के मैदान में, जब अर्जुन धराशायी हो गया था और उसने अपने शस्त्र उठाना मना कर दिया कि मैं मेरे रिश्तेदारों पर मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, भीष्म पितामह के ऊपर। तब कृष्ण ने अपना विराट रूप लेकर, जिसमें 24 चक्र रूप थे, वह लेकर अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और यह बताया कि अर्जुन यह शरीर ब्रह्म नहीं चला रहे, यह भगवान नहीं चला रहा, यह शरीर तुम्हारी 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ चला रही है। और यह सांख्य दर्शन के अंदर बताया गया है कि 5 कर्मेंद्रियाँ और 5 ज्ञानेंद्रियाँ जो हैं, पतंजलि ने भी बताई कि 5 ज्ञानेंद्रियां 5 कर्मेंद्रियां शरीर को चलाती है। तो पतंजलि के इस स्टेटमेंट को कृष्ण जी के उस स्टेटमेंट से इंटरलिंक किया गया है यहाँ पर, इसलिए पतंजलि को कृष्ण का दर्जा दिया गया, भगवान नहीं माना गया, स्टेटमेंट में एक जैसा माना गया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 5, किस काल में योग दर्शन
पृथक शास्त्र के रूप में विकसित हुआ। तो देखिए पृथक शास्त्र, शास्त्र का मतलब होता है हमारे वह धर्मग्रंथ जिनका हवाला देकर हम लोग वाद विवाद करते हैं, जिनके आधार पर हम तर्क वितर्क करते हैं। शास्त्र, अब देखिए आपको यहाँ स्पष्ट कर लेना है कि कौन से काल में हुए, उपनिषद काल। लेकिन कैसे हुए, हिरण्यगर्भ नाम का एक वक्ता था, कहा जाता है कि उसको समस्त योग मुंह जवानी याद थे। हिरण्यगर्भ को योग का आदिवक्ता कहा जाता है। कहीं भी किसी भी सभा के अंदर हिरण्यगर्भ भी योग के आदिवक्ता के रूप में प्रस्तुत करता था। उसके मुंह से सुनी हुई बातों को लोग आगे बताते गए। तो जब शास्त्रों के अंदर क्या होता था, शास्त्रों के अंदर भी बताया जाता था, संवाद किया जाता था। शास्त्र का मतलब क्या है, शास्त्र का मतलब है सुनी हुई बातों को अपने माध्यम से दूसरों को प्रचारित करना। उपनिषद काल के अंदर हिरण्यगर्भ ने यह पहला काम किया था, इसलिए उपनिषद काल में योग दर्शन को एक पृथक शास्त्र के रूप में दर्जा दे दिया गया। और वर्तमान जो योग लिखा गया है पतंजलि योग सूत्र, वह भी योग कहा जाता है कि हिरण्यगर्भ से ही ग्रहण किया गया। आदिकाल के कवि पतंजलि ने हिरण्यगर्भ के मुख से पहली बार यह सुना। और यहाँ अब कई जगह यह स्पष्ट नहीं है कि दोनों पतंजलि एक है या नहीं है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आदिकाल के पतंजलि ने पहली बार हिरण्यगर्भ के मुंह से उपनिषद काल में योग को शास्त्र के रूप में सुना और फिर उन्होंने योग सूत्र के रूप में पाद पुस्तक में इसको लिपिबद्ध किया। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, योग दर्शन भक्ति के किस सिद्धांत का पालन करता है। तो देखिए सबसे पहले स्पष्ट कीजिएगा, योग दर्शन जो है वह सांख्य दर्शन का पिछलग्गू है, मतलब उसका अनुसरण करता है। सांख्य दर्शन में द्वैतवाद को पालना दी गई है, द्वैतवाद को माना गया। द्वैतवाद क्या होता है, द्वैतवाद धर्म का वह सिद्धांत होता है जिसके अंदर ये कहा जाता है कि धर्म के अंदर दो लोग होते हैं, एक पूजा करने वाला और दूसरा उपासना करने वाला, दोनों अलग अलग होते हैं। हम जिसकी उपासना करते हैं वह अलग होता है और जो भगवान होता है, मतलब हम भक्त और भगवान का रिलेशन द्वैतवाद के अंदर बताया गया, इसे द्वैतवाद कहा गया है कि उपासना करने वाला अलग होता है और जिसकी उपासना की जाती है वह अलग होता है। हिंदी भाषा में इसको समझिए, देसी भाषा में भक्त और भगवान का रिश्ता, यह भक्ति दर्शन में द्वैतवाद के बारे में कहा गया है। तो योग दर्शन जो है 90% बातें सांख्य दर्शन की एज इट इज मानता है। सांख्य दर्शन में द्वैतवाद को मान्यता दी है, तो योग दर्शन ने भी अपने आप में द्वैतवाद को मान्यता दी है। साथ ही योग दर्शन यह कहता है कि साधक जो होता है वह समाधि के माध्यम से ईश्वर से मिल जाता है। इसका मतलब ईश्वर कोई और है, साधक कोई और है, मतलब दोनों अलग अलग हैं। अगला प्रश्न, योग दर्शन सांख्य का कौन सा रूप कहलाता है। बड़ा टिपिकल प्रश्न है, योग दर्शन सांख्य का कौन सा रूप कहलाता है। तो देखिए शेष्वर रूप कहा जाता है। शेष्वर रूप में मतलब योग दर्शन सांख्य का, सांख्य के अंदर भगवान को मान्यता दी है, अभी हमने बात करी द्वैतवाद के अंदर। तो योग भी ये कहता है कि आप ईश्वर को अपने मन में धारण करें, स ईश्वर, शेष्वर का मतलब स ईश्वर, स मतलब सहित, जब भी आप समाधि की अवस्था में जाएं तो ईश्वर का ध्यान कर जाएं। और यम नियम के अंदर नियम में कहा भी गया है ईश्वर प्राणी धानम, ईश्वर मतलब अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देना, ईश्वर प्राणी धान कहलाता है। तो शेष्वर इसको कहा गया, शेष्वर पूजा के बारे में कहा गया, पूजा नहीं सॉरी समाधि के बारे में। शेष्वर मतलब ईश्वर को मन में धारण कर हम लोग योग की बात करते हैं। बिना ईश्वर की कामना कल्पना के योग का पालन नहीं किया जा सकता। अगला प्रश्न, पतंजलि को किसका अवतार माना जाता है। तो देखिए पतंजलि को जब हम बात करते हैं आदिशेष का अवतार माना जाता है। आदिशेष को भगवान शिव का दर्जा भी दिया गया है। आदिशेष मतलब, शेष का मतलब जिन्होंने सब कुछ संभाल रखा, आदि मतलब जिनसे सृष्टि शुरू हुई है, तो आदिशेष उन्हें कहा जाता है, आदि जिनसे सृष्टि शुरू हुई है। तो भगवान मैं कहूँ शिव जी को, लेकिन आदिशेष के रूप में एक अलग अलग अवतार होते हैं, आदिशेष अवतार में पतंजलि को माना गया है। जैसा कि मैंने लेक्चर में आपको बताया भी था, पतंजलि का जन्म कैसे हुआ था, उनकी माता योगिनी गणिका जी थी, वह सूर्य को अर्घ दे रही थी। पतंजलि मतलब गिरते हुए अंजल से, उनके गिरते हथेलियों को कहते हैं पत, और यहाँ से जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं, पानी देते हैं, उसे कहते हैं अंजलि। तो उसी दौरान एक वीर्य की बूंद से इनका जन्म हुआ था पतंजलि का, इसलिए इनको आदिशेष का अवतार माना गया। अवतार कौन होते हैं, जो ऊपर से, जो हमारे हिंदू धर्म की मान्यता अनुसार से भगवान जब मनुष्य रूप में जन्म लेते हैं, तो कहा गया पतंजलि के रूप में आदिशेष ने अपना जन्म लिया। और योगिनी गणिका जब सूर्य को अर्घ्य दे रही थी, उस वक्त गिरते हुए अंजल से, मतलब पतंजल से इनका जन्म हुआ, हथेली से गिरते हुए पानी से, तो इसलिए नाम इनका पतंजलि पड़ा। अगला प्रश्न,
सांख्य दर्शन में पतंजलि को किस देवता के समतुल्य दर्जा दिया गया है? सांख्य दर्शन में पतंजलि को किस देवता के समतुल्य दर्जा दिया गया है? शायद यह प्रश्न हम पढ़ चुके हैं, कृष्ण की बात आ गई है, यह दूसरा प्रश्न गलती से शायद रिपीट हो गया है। योग दर्शन में पतंजलि ने ग्यारहवीं इंद्री किसे माना? योग दर्शन में पतंजलि ने ग्यारहवीं इंद्री किसे माना? ध्यान दीजिएगा, पांच कर्मेंद्रिया, पांच ज्ञानेन्द्रिया, इसके अलावा मन के ऊपर भगवान पतंजलि ने, सॉरी महर्षि पतंजलि ने शरीर चित्त धारण किया। और पहली एक परिभाषा उनकी है, योगस्य चित्त वृत्ति निरोधम, योग चित्त की वृत्तियों का नाश करता है। योग चित्त, चित्त का मतलब मन, वृत्ति मतलब जो ये इंद्रियां होती हैं, इंद्रियों को उन्होंने चलायमान कहा है। और प्रत्याहार के अंदर उन्होंने कहा है कि प्रत्याहार इंद्रियों को बहिर्मुख से अंतर्मुखी करता है, मतलब बहिर्मुखी, आंखों को अच्छा देखना पसंद है, जीभ को स्वाद पसंद है, कानों को अच्छा सुनना पसंद है, नाक को अच्छी गंध पसंद है, त्वचा को अच्छा स्पर्श पसंद है। तो इन सबको, ये बहिर्मुख होती है बाहरी चीजों को, अगर ये बाहरी चीजों को देखना बंद कर दे और अपने अंतर्मन को देखने लग जाए तो मनुष्य समाधि की अवस्था की तरफ जा सकता है। तो योग दर्शन में पतंजलि ने पांच कर्मेंद्रियों, पांच ज्ञानेन्द्रियों के अलावा इनको, मन को एक ग्यारहवीं इंद्री माना है, मतलब मन पे काबू करना सबसे इंपॉर्टेंट पतंजलि ने माना है। तो मित्रों, ज्वाइन का बटन जरूर दबाएं, लाइव सेशन शुरू करेंगे। जैसे ही 50 बंदे शुरू हो जाएंगे, 50 लोगों के शुरू होते हैं, हम लोग लाइव सेशन शुरू करेंगे। लाइव सेशन में वही लोग जुड़ पाएंगे जो मेंबर है, आप लोग मेंबर जरूर बने, लाइव सेशन का लाभ जरूर उठाएं। मिलते रहेंगे इसी प्रकार की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर। आपका भरत सिंह गुर्जर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।